ओके सो दिस इज़ लेक्चर टू ऑन मैथमेटिकल टूल्स और हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री तो उसी का पार्ट टू कर रहे हैं हम ठीक है तो इस लेक्चर के साथ वील वाइंड अप सिर्फ जितने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वही कर रहे हैं मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने सारे फार्मूलाज कवर किए बट आई कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ओके तो हम स्टार्ट करते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स से ठीक है साइन हमने साइन थीटा पढ़ा था वॉट इफ आई गिव यू साइन थीटा प्लस फाइव फॉर्मूला कैसे होगा ठीक है तो हम इसमें डील करेंगे फॉर्मूला so तो देख लेते हैं तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस बी कॉस बी ठीक है साइन कॉस कॉस साइन तो याद रखना जब भी हम साइन लेते हैं जब भी साइन होगा तो साइन कॉज एंड कॉस साइन आएगा ठीक है तो प्लस के साथ बीच में प्लस साइन आएगा और जब साइन ए माइनस बी होगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ठीक है तो साइन में क्या होता है अगर प्लस का साइन है तो आर एच एस में प्लस आता है और अगर माइनस का साइन है तो आर एच एस में भी माइनस आता है ठीक है अब है कॉस ए प्लस माइनस बी तो कॉस में क्या होगा दोनों कॉस साथ में होंगे पहले फिर दोनों साइन साथ में होंगे इस तरीके से याद रखना है और जो होते हैं ऑपोजिट हो जाते हैं कैसे जब हम कॉस ए प्लस बी बोलेंगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन भी आएगा और जब हम कॉस ए माइनस बी बोलेंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन भी आएगा ठीक है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ओके तो ये किस चीज़ में काम आता है सपोज हमको फाइंड करना है साइन सेवेंटी फाइव ओके नाउ हो सेवेंटी फाइव की वैल्यू नहीं पता बट आई नो दैट सेवेंटी फाइव इज़ फोर्टी फाइव प्लस थर्टी है ना और हमें फोर्टी फाइव की भी वैल्यू पता होती है और थर्टी की भी वैल्यू पता होती है तो हमने क्या लगाया था साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू पुट करोगे कॉस थर्टी की कॉस फोर्टी फाइव साइन थर्टी जब इसे सॉल्व करोगे यू गेट दी आंसर ओके तो ये फॉर्मूलाज याद करने सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछती हूँ कॉस फिफ्टीन क्या होता है ठीक है तो कॉस फिफ्टीन का तो हमें वैल्यू नहीं पता बट आई नो दैट फिफ्टीन डिग्री कैन बी रिटन एज फोर्टी फाइव माइनस थर्टी ठीक है और हमें फोर्टी फाइव की भी वैल्यू पता होती है थर्टी की भी वैल्यू पता होती है तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑपोजिट हो जाता है प्लस साइन एज साइन बी ठीक है तो कॉस फोर्टी फाइव क्या होता है वन बाय रूट टू कॉस थर्टी इज रूट थ्री बाय टू साइन फोर्टी फाइव इज वन बाय रूट टू एंड साइन थर्टी इज़ वन बाय टू ठीक है एलसीएम सेम है तो सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड टू रूट टू क्लियर तो दैट वॉज़ अबाउट साइन एंड कॉस ना नेक्स्ट कम्स टैन एंड कॉट टैन ए प्लस बी क्या होगा टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी ठीक है टैन ए प्लस बी सॉरी क्या होगा टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी एंड अगर हम माइनस की बात करते हैं तो ऊपर साइन माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा पॉजिटिव ओके okay? और कॉट में क्या होता है उल्टा होता है जब कॉट ए प्लस बी की बात करते हैं तो ऊपर होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन ठीक है अगर ऊपर मतलब इसमें बीच में पॉजिटिव है तो ऊपर माइनस नीचे नेगेटिव कॉट बी माइनस कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए ठीक है और सिमिलरली कॉट ए माइनस बी क्या होगा कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए ठीक है तो एक एग्जाम्पल किया है जैसे हमें टेन फिफ्टीन डिग्री निकालना है सो टेन फिफ्टीन इज़ टेन फोर्टी फाइव माइनस थर्टी तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है टेन ए माइनस टेन बी ठीक है अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी दिस इज़ योर फॉर्मूला तो टेन ए यानी टेन फोर्टी फाइव माइनस टेन थर्टी डिग्री अपॉन वन प्लस टेन फोर्टी फाइव टेन थर्टी डिग्री ठीक है तो वैल्यू पुट कर दोगे सबकी वैल्यू पता है टेन फोर्टी फाइव इज़ वन टेन थर्टी इज वन बाई रूट थ्री एंड सिमिलरली डिनिनेटर में जब इसे सॉल्व करोगे यूल गेट दिस ये आंसर ओके नेक्स्ट इज जब आपको सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है अभी ये क्या है साइन सी प्लस साइन डी दिस इज़ डिफरेंट पहले हमने क्या पढ़ा था साइन सी प्लस डी ऐसे ब्रैकेट में जो एंगल थे वो एड हो रहे थे इधर डिफरेंट रेशियोज़ एड हो रहे हैं ठीक है तो समझना डिफरेंस सो साइंस सी प्लस साइन डी जब आप दो साइंस को ऐड करते हो तो क्या होता है टू साइंस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाय टू ठीक है एंड साइंस सी माइनस साइन डी क्या होगा टू साइंस सी माइनस डी बाय टू कॉस सी प्लस डी बाय टू ठीक है तो याद रखना जब दो साइन को ऐड करते हो तो एक साइन होता है एक कॉस होता है ये याद करने का तरीका है याद आपको खुद ही करना पड़ेगा ओके और जब कॉस की बात करते हैं तो कॉस सी प्लस डी क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू तो याद रखो जब हम दो कॉस को ऐड कर रहे हैं तो दोनों जो होंगे वो कॉस होंगे ठीक है एंड कॉस सी माइनस डी क्या होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू तो जब आप दो कॉस को आ, क्या कर रहे हो उनका डिफरेंस निकाल रहे हो तो दोनों साइन होंगे ठीक है तो एक बार रिकॉल करते हैं दो साइन को ऐड करो या दो साइन को सब्ट्रैक्ट करो आंसर में एक साइन होता है एक कॉस होता है ठीक है दो कॉस को जब ऐड करते हो तो आर में दोनों कॉस होते हैं और दो कॉस को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो दोनों साइन होते हैं क्लियर तो अगर इस पर एग्जाम्पल करना हो जैसे क्वेश्चन है आपका साइन फोर थीटा प्लस साइन टू थीटा निकालो तो साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाय टू ठीक है तो फोर थीटा प्लस टू थीटा सिक्स थीटा डिवाइडेड बाय टू क्या हो गया थ्री थीटा एंड सिमिलरली ये क्या हो गया थीटा और राइट नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ये सबसे ज़्यादा काम आएंगे आपको जब आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सपोज़ आपको कोई एंगल पूछा है वो आपको नहीं पता बट अगर उसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका आंसर आपको पता है जैसे साइन फिफ्टीन आपको नहीं पता बट मैं फ़िफ्टीन को टू से मल्टीप्लाई कर दूं यानी थर्टी डिग्री उसकी वैल्यू आपको पता है आपको मैं अगर कॉस्ट ट्वेंटी टू एंड हाफ डिग्री पूछती हूँ वो आपको नहीं पता बट कॉस्ट ट्वेंटी टू एंड हाफ को जब मैं टू से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है फोर्टी फाइव उसकी वैल्यू आपको पता है ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं टू थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा एक्सप्रेस कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो जैसे पहला होता है साइन टू थीटा इज टू साइन थीटा कॉस् थीटा साइन टू थीटा इज़ टू साइन थीटा कॉस् थीटा वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है द नेक्स्ट इज कॉस्ट टू थीटा कॉस टू थीटा क्या वैसे तो एक फॉर्मूला होता ही है ये कॉसक्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है कॉसक्वायर थीटा इज कॉसक्वा कॉस टू थीटा इज कॉस्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेकिन इसी फॉर्मूले से ये सेकेंड फॉर्मूले से हम दो और फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं कैसे आपको पता न कि साइंस स्क्वायर थीटा साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसक्वायर थीटा वन होता है ठीक है तो अगर मैं इस कॉस स्क्वायर की जगह वन माइनस साइंस स्क्वायर थीटा रख दूँ तो और इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा वन माइनस टू साइंस स्क्वायर थीटा ठीक है इसका मतलब मैं कॉस टू थीटा को सिर्फ साइन थीटा के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और अगर मैं कॉस स्क्वायर को एज इट इज रहने दूँ इस साइंस स्क्वायर की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर रख दूँ तो क्या आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन तो आपने कॉस टू थीटा को सिंपली इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा निकाल दिया ठीक है सो तो ये तीनों फार्मूलाज नेक्स्ट है टैन टू थीटा इसका फॉर्मूला होता है टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये तो उसी से आता है देखो आपने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था ना दैट इट इज टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन ए टेन बी तो टैन टू थीटा में मैं लिख सकती हूँ ना इसे टैन थीटा प्लस थीटा है ना और वो वैल्यू लगा आ, सारा फार्मूला लगा दो तो यही आंसर आता है ठीक है तो नेक्स्ट टू फॉर्मूलाज आर जब आपको साइन को टेन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होता है ये भी काम आएगा तो जब साइन को आप टैन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे तो साइन टू थीटा इज टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड कॉस टू थीटा इज वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा मतलब जो डिनोमिनेटर है वहाँ तो वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा ही आएगा लेकिन यूमरेटर चेंज हो जाएगा ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट फॉमूलाज बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था ये दैट एट